जब मैं स्कूल में था सेवन स्टैंडर्ड में, तो एक्चुअल वो टाइम पे बर्ड्स मेरे मतलब मेरे बालकनी में चिड़िया चूचू करती रहती थी और मैं उनको भगा देता था। पर सडनली एक दो साल जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, अरे बर्ड्स क्यों नहीं आ रहे, जो एक आदत लग गई थी, और वो क्यों बर्ड्स क्यों कम होते जा रहे। मतलब इतना होता था कि बर्ड्स माइग्रेंट होके खुद मर जाते थे, और तब से हमारी ये मुहिम चालू हुआ सेव बर्ड्स सेव लाइफ, और तब से हम लोग चौक में स्कूल्स में जाके ये अवेयरनेस करना चालू हो गए, और तब से लेके आज तक 9 साल मुझे लग गए लोग को अवेयर करने के लिए कि बर्ड्स रेस्क्यू भी होता है या उनकी ट्रीटमेंट भी होती है। हेलो ऑल कल्याणकर्स, कैजुअल टॉक्स एपिसोड 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ काफ़ी खास व्यक्ति है। आप लोगों ने रोबोट 2 मूवी देखी रहेगी जिसमें अक्षय कुमार ने पक्षी राजन का किरदार निभाया था, वैसे ही आज हमारे पास किरदार है जो कि महाराष्ट्र कल्याण में हम कह सकते हैं वो भी पक्षी राजन जैसे ही है, महेश बानकर जी। वेलकम टू आवर चैनल महेश बानकर जी। तो महेश बानकर जी से आज हम कुछ सवाल पूछेंगे, उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे महेश जी आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं महेश बनकर कल्याण में रहता हूँ। मैं इको ड्राइव करके एंजॉय है हमारा कल्याण में। 9 साल से हम लोग बर्ड रेस्क्यू और इन्वायरमेंट के लिए हम लोग कल्याण में काम कर रहे हैं, और बाय प्रोफेशन में होटल मैनेजमेंट हुआ मेरा, और मेरा खुद का कल्याण में रोसो कैफे करके है। तो महेश जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका प्रेम पक्षियों के पीछे इतना है कि आपको बर्ड लवर भी बोलते हैं कल्याण का, तो इतना प्रेम आपके दिल में इतना कब से आया और क्यों इतना आकर्षित करते आपको पक्षी? क्या हुआ था, जब मैं स्कूल में था सेवन स्टैंडर्ड में, तो एक्चुअल वो टाइम पे बर्ड्स मेरे मतलब मेरे बालकनी में चिड़िया चूचू करती रहती थी और मैं उनको भगा देता था। पर सडनली एक दो साल जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, अरे बर्ड्स क्यों नहीं आ रहे, जो एक आदत लग गई थी, और वो क्यों बर्ड्स क्यों कम होते जा रहे। फिर मैं घर में मम्मी डैडी को पूछा, मेरे फ्रेंड सर्कल में पूछा, फिर पता चल रहा था कि यार जो हमारे यहाँ पे माइग्रेन हो रहे बर्ड, क्यों जो टावर्स है मोबाइल के उसके वजह से उनके बर्ड्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट गिर रहा था, और वो जो रेंज थी कि उनके जो प्रजनन में भी उन पर इम्पैक्ट गिरता था। मतलब इतना होता था कि बर्ड्स माइग्रेन होके खुद मर जाते थे, तो वो बहुत रेस्क्यू से मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि इतना इम्पैक्ट बर्ड्स पे हो रहा है, और धीरे धीरे मैं पता चल रहा था क्या रहा है कल्याण की जो हमारी संस्कृति थी, जो वाड़ा संस्कृति, वो एक कम होती जा रही थी, जब उनको घर में कहाँ पे भी छुपने के लिए जगह मिलती थी। अभी जो डेवलपमेंट हो रही है वो डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है, वो डेवलपमेंट सीमेंट कॉन्क्रीट के जंगल में वो बर्ड्स कहाँ पे कम होते जा रहे थे, और जो हमारे गार्डन है जहाँ पे हम लोग इंडियन स्पीसीज यूज़ पहले होता था बर्ड्स के लिए, जहाँ पे अभी तो जब फॉरेनर बर्ड्स अपना जो पेड़ से वगैरह वो लगाया जाता है ना, बर्ड्स को उनको फ़ायदा होता है ना, फ्रूट खाने मिलते हैं ना उनको, वहाँ पे उनके लिए घोंसला बनाने को मिलता है। तो इस कारण में जो देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार हम लोग ने कुछ तो बर्ड्स के लिए करना चाहिए ना, आगे जाके जनरेशन को ऐसा ना टाइम आए कि वो उनको खाली बुक में दिखे। इसके लिए फिर हम लोग ने स्कूल में जो मेरे स्कूल के दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त थे, या मेरे स्पोर्ट्स के जो दोस्त थे, उनको सबको एक साथ लेके ये टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन किया, और तब से हमारी ये मुहिम चालू हुआ सेव बर्ड्स सेव लाइफ, और तब से हम लोग चौक में स्कूल्स में जाके ये अवेयरनेस करना चालू हो गए, और तब से लेके आज तक 9 साल मुझे लग गए लोग को अवेयर करने के लिए कि बर्ड्स रेस्क्यू भी होता है या उनकी ट्रीटमेंट भी होती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है महेश जी, और 9 साल बहुत बड़ा पीरियड रहता है, और अभी भी मैं देखता हूँ कि आपके कहीं ना कहीं फोटोज रहते हैं, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी को बचाते रहते हो। तो समस्या ये भी रहती है कि जैसे बड़े पक्षी हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ उल्लू को आप दवा दे रहे हो, तो इतने बड़े पक्षी रहते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता उनके चोंच या फिर नाखून, या जब वो फड़फड़ाते हैं तो जैसे मुझे तो ऐसा कोई फड़फड़ाए तो मैं तुरंत पीछे हट जाऊँ, और आप उनको सेव करते हो, तो क्या इसके लिए ट्रेनिंग ली या फिर कैसे हुआ है? एक्चुअल कैसा था कि बहुत सारे दोस्त मुझे ऐसे बोलते थे, जब भी वो फोटोज फेसबुक पे या था डालता था तो उनको भी पूछते थे कि अरे आपको डर नहीं लगता इस चीज़ से, तो कैसा लगता था, हमारे एक मन में एक भावना है कि उसे बचाना है, और वो जो जब मैं स्पष्ट उनको करता था उनको भी समझ में आ जाता था, या एक गॉड गिफ्ट बोलिए उनकी तरफ से, या उनको भी ये मतलब नहीं बोलते ना इंसानियत, उसके वजह से वो मुझे सपोर्ट करते थे, और आज भी थोड़ा सा तो लगता है कि पापा बर्ड्स अभी देख रहे हम लोग कितना कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए एक मोटिवेशन से या उस ये चाहत से या दिल से
कभी वैसा डर नहीं लगता। तो गर्मियों के सीजन में मैं खास देखा हूँ आप पूरे काला तालाब में और जितने भी जगह है आप कुछ ना कुछ झाड़ पे लगा के पानी प्रोवाइड कर रहे हो क्योंकि उनको बहुत सूखा होता है पीने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ कर रहे हो। आपके कहीं अभी रिकॉग्निशन 9 साल बाद कहीं आपको भी एक सम्मान मिल रहा है न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट मोमेंट क्या था? हालांकि जानते हैं कि आपने बर्ड्स के पीछे ही किया, ऐसा फेम के लिए तो नहीं किया, बट आपको बेस्ट कोई रिकॉग्नाइजेशन मिलता है तो अच्छा लगता है, मोटिवेट होता है और करने का और चाह बढ़ जाता है। तो आपके लिए स्पेशल कौन सा बेस्ट मोमेंट था, ऐसा कोई आपके पास तो आप कुछ बता सकते हैं? एक्चुअल सच में मैं पुरस्कार के लिए काम नहीं करता हूँ, पर कल्याण में निर्भय व्यासपीठ करके है, निर्भय साप्ताहिक करके, उनकी तरफ से निर्भय पुरस्कार मिला था और अपना कल्याण में लास्ट ईयर प्राइड ऑफ कल्याणकर करके बड़ा मुझे पुरस्कार एक मिला। अच्छी बात है। और इस काम में आपको क्या क्या अड़चनें आती, क्योंकि एक कॉमन मैन मैं देखा जाऊँ तो घर में घर संभालना, फिर कहीं ना कहीं हर कोई बिजी रहता है और बिजी बोलता है, बट आप तो कॉल पे जाना वो एक जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो ऐसे काफ़ी क्योंकि दवाइयाँ ढूंढना, तो इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है? कैसा है, मैं कल्याण में रहने की वजह से मतलब मेरा प्रोफेशन भी मतलब कैफे कल्याण में रहने से किसी का फ़ोन भी आ जाए कल्याण में, इसमें एक में मेरा जो रेस्क्यू किट है वो यहाँ पे कैफे पे रखा है, मतलब वो कुछ भी हो जाए मतलब मेरे घर में एक है कैफे पे है, जहाँ पे भी रहो फटाक से जाके मैं वहाँ पे रेस्क्यू करता हूँ, मुझे पूछना टाइम लग रहा रहेगा यहाँ पे किधर बिजी हो, तो वहाँ पे उनको मैं फ़ोन पे बताता हूँ कि आप एक काम कीजिए उसको एक साइड में रखिए जाके कि वो डरे नहीं, या मतलब शॉप में नहीं जाए बच्चा, तो आप एक बॉक्स अरेंज करके रखिए, या मैं कहाँ बाहर हूँ पर वहाँ पे बॉक्स मेरे लिए लेके जाना पॉसिबल नहीं है केज वहाँ पे, तो वो टाइम पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है कि सामने वाला खुद पानी वगैरह उसको देने की कोशिश कर दे और वो साइड में होकर उनको रख देते हैं। और जैसे अड़चनी आती है कि जो बर्ड्स के लिए ट्रीटमेंट की टाइम आता है तो कहाँ से हम लोग फंड नहीं करते, मैं खुद मेरी जेब से ही खर्चा करता हूँ, ना हम लोग किसी को अवेयरनेस मतलब मंगाते हैं कि बाबा आप डोनेट करो करके। कैसा है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग खाली पैसे के लिए काम कर रहे हैं, किसी के ऐसे होते हैं, आज तक मैंने कोई भी काम किया हो आज तक किसी को मैं फंड के रिलेटेड नहीं मांगा। और कल्याण में डॉक्टर राय बोले करके हैं, धर्मराज राय बोले, उनका बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट मिलता है, जैसे दत्ता बुम्बे सर करके हैं उनका मुझे सपोर्ट मिलता है, पूरी यहाँ पे कल्याण की जो टीम है, जो फ्रेंड के हैं, नेचर सर्कल है, सुहास करके फ्रेंड है, जयेश गुगे करके सर है, शैलेश करके मेरा फ्रेंड है, ये जो सब टीम है वो कभी ना कभी कुछ रेस्क्यू मुझे नहीं जमा तो वो रेस्क्यू करती है, ऐसा है। और डॉक्टर राय बोले सर है वो कोई भी ना उनकी फीस लेते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए, वो बहुत अच्छी मुझे हेल्प करते हैं, उनकी तरफ से कोई मेडिसिन रहे तो वो खुद देते हैं, नहीं उनके पास रहेगी तो मुझे बोलते हैं बाहर से लेके आए, तो इच्छा एक बहुत अच्छा सपोर्ट उसके वजह से मिलता है, और फैमिली भी मुझे वो सपोर्ट करती है कि उस चीज़ में वो हेल्प करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और आज तक किसी से पैसा नहीं लेके मतलब एक एनजीओ जैसा, हाँ आपने सही कहा कि लोग सोचते हैं पैसों के लिए करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ह्यूमंस ऑफ कल्याण पेज से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा ह्यूमंस ऑफ कल्याण पेज के द्वारा से कि अगर कोई भी पॉसिबिलिटी एटलीस्ट मेडिसिन या कुछ ना कुछ आपके द्वारा आप कर सकते हो तो हेल्प ज़रूर कीजिए। और लास्ट में मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे ये सब जान के, मैं लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ कुछ मैसेज दीजिए हमारे लोगों को और व्यूवर्स को ताकि वो भी कुछ ना कुछ कर सके। अच्छा यस सर, कल्याणकर आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग जब रक्षा अपना ये संक्रांत आती है तब हम लोग पतंग का मांझा उड़ाते हैं, प्लीज़ मत यूज़ कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, पूरे साल भर उसका तकलीफ बर्ड्स को होती है, वो मांझा कटने की वजह से पेड़ में या वायर्स में लटक के बहुत सारे बर्ड साल भर इंजर्ड होते रहते हैं, पूरे साल में ये बहुत सारे रेस्क्यूज के मुझे कॉल आते हैं, आप भी लोगों को अवेयर करिए कि वो चीज़ नहीं करने के लिए। और जैसा कि दिवाली आती है हम लोग पटाखे रॉकेट्स वगैरह बना मतलब फोड़ दे, बहुत सारे बर्ड्स वो टाइम में इंजर्ड हो जाते हैं कि वो जो पोल्यूशन के वजह से, तो कोशिश कीजिए हमारे वजह से बर्ड्स को कोई तकलीफ ना हो, और दूसरे आप भी मुझे आके ज्वाइन हो जाइए और आप भी बर्ड्स लवर बनिए। थैंक यू महेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में जुड़ने के लिए। और कैजुअल टॉक्स का यही है कि हम जो भी कल्याण के लोग हैं
चाहे वो बैकग्राउंड डांसर जो पहले के शो में था या फिर एक रैपर था या फिर आगे जो हमारे आएंगे, तो आप प्लीज अगर कोई आपके आसपास जो सोशल सर्विस करता है या फिर कोई स्ट्रगल करके कुछ मुकाम पे कुछ हासिल करना चाहता है या फिर हासिल कर चुका है, तो आप हमें प्लीज इनबॉक्स कीजिए, मैसेज कीजिए, हम रीच करेंगे। और ऐसे टैलेंट को जरूर मोटिवेशन मिलना चाहिए और बाकी लोग को भी मोटिवेशन मिले, यही हमारा मकसद है। तो प्लीज हमें इनबॉक्स कीजिए इसके लिए और प्लीज बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं काफी खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसे चेहरे से आज बात करने का मिला है जो लोगों से ज्यादा प्यार तो करता ही है और उससे ज्यादा पक्षियों के पीछे जो उनका प्रेम है, यानी कि सिर्फ सोशल नहीं, एनवायरमेंट फ्रेंडली,